बिहार के आरा में अब वो सभी दिव्यांग ट्राई साइकिल का लाभ उठा सकेंगे जो छात्र हो या रोजगार करते हो। भोजपुर के उप विकास आयुक्त के द्वारा आदेश निकाला गया है कि विशेष कैंप लगा जिले भर में मौजूद लगभग 90,000 दिव्यांग जनों को योजना का लाभ जो लेने लायक हो उन सबको बैटरी संचालित ट्राई साइकिल दिया जाएगा ताकि वो बेहतर पढ़ाई और रोजगार कर सके और किसी से पीछे ना रहे। लोकल 18 से बात करते हुए उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर ने बताया कि बिहार में हुए 2011 के जनगणना के अनुसार 75,000 दिव्यांग है, लेकिन अब बढ़कर भोजपुर जिले में अनुमानित 90,000 से 95,000 तक दिव्यांग होंगे, लेकिन बैटरी संचालित ट्राई साइकिल का लाभ सिर्फ 1% दिव्यांग ही उठा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए एक बार फिर से बड़े स्तर पर सभी प्रखंड में कैंप लगा योग्यता अनुसार सभी दिव्यांगों को बैटरी संचालित ट्राई साइकिल दिया जाएगा। इस दौरान आगे डीडीसी ने बताया कि सभी प्रखंड के लिए तिथि और समय निर्धारित कर दी गई है। 1 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जो कि 17 सितंबर तक चलता रहेगा। इस विशेष कैंप में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा वैसे दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया जाएगा जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्र हों अथवा अपने घर से 3 किलोमीटर दूर किसी रोजगार के लिए जाते हों। इसके लिए कई दस्तावेज भी चाहिए। आगे योजना की जानकारी देते हुए डीडीसी ने अपील किया कि इस योजना का लाभ जितने ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग जन उठा सके उठा ले। हम चाहते हैं कि जिले के सभी दिव्यांग के पास ट्राई साइकिल हो और उनके काम में उनकी दिव्यांगता बाधा न बने, इसलिए कैंप में मेडिकल टीम भी बैठाई जाएगी जो मौके पर ही जांच करेंगे और जिनका दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है उनको मौके पर ही बना करके दिया जाएगा। बड़े लेवल पर भोजपुर में दिव्यांगों को बैटरी संचालित रिक्शा देने की बात की जाए, क्या प्रोसेस है सर, कितने लोगों को लाभ मिलेगा? सभी 14 प्रखंडों में 1 तारीख से सितंबर के प्रखंड स्तर पर कैंप लगाया जाएगा जो मोटराइज ट्राइसिकल होते हैं वो दिव्यांग जनों को लाभ देने के लिए। आज के डेट में 2011 के सर्वे के अनुसार भोजपुर जिले में लगभग 75,000 दिव्यांग, आज के डेट में लगभग 90,000-95,000 हुए, लेकिन मात्र आज तक जिला में 544 लोगों को ये लाभ मिल चुका है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो छूटे हुए हैं। केंद्र सरकार की ADP योजना के माध्यम से भी हम लोग ने ये कोशिश की थी, लगभग 2,500 से ज़्यादा लोग को, दिव्यांगजनों को जो भी एड होते हैं उनका लाभ दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो छूटी हुई है। तो अब तक ये होता था कि BDO साहब के पास आवेदन आते थे, फिर वो आवेदन जिला में होते थे, तो प्रचार प्रसार की कमी की वजह से बहुत सारे लोग छूट जाते थे। तो ये कोशिश है कि हर प्रखंड स्तर में कैंप लगाया जा रहा है, जो भी दिव्यांग और जो अस्थि व्यंग वाले दिव्यांग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं उनका जो योजना ये कहती है कि उनको पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए अगर उनका दिव्यांगता 60% से ज़्यादा है, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो दिव्यांग इस योजना में मोटराइज ट्राइसिकल के लिए पात्र माने जाएंगे। जितने भी ज़्यादा संख्या में आ सकेंगे उतनी ज़्यादा संख्या में हम लोग स्टेट के पास राज्य सरकार के पास इस योजना में लाभ के लिए ज़्यादा आवंटन की मांग कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा संख्या में पात्र लाभुक आ सकते हैं, दिव्यांगजन आ सकते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सर कोई समय निर्धारित किया गया है आवेदन की अंतिम तिथि? आवेदन ऑन द स्पॉट लिए जाएंगे, आज भी आप आवेदन दे सकते हो, लेकिन कैंप मोड में आवेदन के लिए 1 तारीख से लेके हम लोग हर प्रखंड में कैंप लगा रहे हैं। कैंप का जो शेड्यूल निकला है, जो कैलेंडर निकला है, उसका सूची सभी मीडिया में जनप्रतिनिधियों को भेजा गया है, आम लोगों की सूचना के लिए भी इसको दिया गया है, ये शेड्यूल आपको उपलब्ध है।